हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल वांटेड गाइस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीवो Y81 के बारे में, जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग बहुत ही ज़बरदस्त रखी है, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपडेट कर दूंगा, वहाँ पर आप ज़रूर से देख लीजिएगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं यही अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, Y81 का गिव कॉन्टेस्ट भी करने वाला हूँ। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं वीडियो के लास्ट में, ज़रूर से स्टेप्स देख लीजिए, उनको फॉलो कीजिए और शायद आप ये फ़ोन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है नॉच वाला डिस्प्ले वीवो Y81 जीत पाएँ। सो गाइज, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर कुछ मतलब सोच रहा हूँ कि कमेंट्स बॉक्स भी जो है बनाया करूँगा हर संडे को, जिसमें आप जो मेरे को वीडियो में नीचे क्वेश्चंस पूछेंगे वो मैं पिक करूँगा, उनके आंसर्स करूँगा, जो कि हर एक संडे को होगा। कल संडे है, कल तो नहीं हो पाएगा। आज की इस वीडियो से आप हैशटैग WG AskWG लगा करके क्वेश्चन पूछिएगा, मैं संडे के कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दे दूंगा। सो ये मैं कुछ सोच रहा हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ या फिर नहीं। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं गाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह का हमें कुछ बॉक्स मिलता है, सामने लिखा है Y81 वीवो, ऊपर टॉप में लिखा है रशिया 2018। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसका जो है स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सर किया है यहाँ पे वीवो ने, तो भाई स्पॉन्सरशिप में अपना बैनर लगाना तो बनता है। यहाँ पे Y81 के नीचे आपको नॉच सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे इस तरह का बॉक्स है। बॉक्स के पीछे कुछ मेन हाइलाइटेड फीचर्स हैं, जैसे कि लिखा है कि यहाँ पे नॉच वाला 19:9 एस्पेक्ट रेशो का डिस्प्ले मिलता है, आपको फेस रिकॉग्निशन मिल जाती है, आपको 13 मेगापिक्सल का जो है वो कैमरा मिलता है, और यहाँ पर 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है रशिया 2018 दोबारा से, जहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये जो है फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर। तो ओपन करते हैं बॉक्स को। सबसे पहले ओपन करते ही हमारे पास एक मिनट यार, ये तो ओके, तो ये ओके हो गया। ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें ऊपर मिलता है यहाँ पे जो है फ़ोन ब्लैक कलर का, इसकी सी यहाँ पे ओपन करते हैं इसको, यहाँ से जो है ओके, ये जो है सील ओपन करते हैं तो ये हमारे फ़ोन मिल जाता है। सो पीछे हमें दिख रहा है वीवो की ब्रांडिंग कैमरा, मगर फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो नहीं दिख रहा है। सामने नॉच वाला डिस्प्ले इन 19:9 एस्पेक्ट रेशो वाला जो है वो मिल रहा है। बॉक्स में और क्या चीज़ें मिलती हैं इसको साइड पे रखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल एक इसको ऑन कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमें मिलता है कुछ क्विक स्टार्ट गाइड्स, तो इनको करते हैं एक बार साइड में। हमें मिल जाता है नीचे सिम इजेक्टर टूल, सामने देखता हुआ मिल जाता है, तो इसको भी जो है निकालते हैं और करते हैं साइड में। देखते हैं नीचे क्या मिलता है, नीचे मिलता है हमें माइक्रो यूएसबी केबल, तो ये माइक्रो यूएसबी इसको भी साइड पर रखते हैं। नीचे मिल जाता है हमें यहाँ पर एक ट्रैवल अडेप्टर, जिसकी रेटिंग जो है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की, तो फास्ट चार्ज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वीवो से इस प्राइस में जो है वो यहाँ पे हमें दे दे यहाँ पे फास्ट चार्जिंग। सो बस बॉक्स में इतना ही कुछ है, हेडफोन्स हमें नहीं देखने को मिलता है, ये इंटरेस्टिंग काम किया है। तो यहाँ पर फ़ोन ऑन हो चुका है, इसको हम सेटअप कर लेते हैं फन टच को, तो यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा आ रहा है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नॉच हमें क्लियरली दिख रहा है, नेविगेशन बार दिख रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, उससे यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेट करते हैं इंग्लिश की, तो बहुत सारी चीज़ें करने को हैं हमारे पास यहाँ पे। तो चलिए हम फटाफट से जो है यहाँ पे बता देते हैं आपको इस फ़ोन के कुछ हाइलाइटेड मेन हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। तो यहाँ पे आपको 6.22 इंचज़ का HD वाला डिस्प्ले मिलता है, फुल HD नहीं मिलता। यहाँ पे 19:9 एस्पेक्ट रेशो है और नॉच जो है वो क्लियरली विजिबल है, जिसके अंदर फेस रिकॉग्निशन ID को लेकर के कुछ काम हुआ है, जो कि सामने तो नहीं दिखता, सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होगा, और 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी सामने दिखता है, तो नॉच जो है हमें मिल जाती है। यहाँ पे बात करते हैं कैमरा की, तो आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा जो कि सिंगल कैमरा है, पोर्ट्रेट मोड्स वगैरह मिल जाते हैं गाइस सिर्फ रेयर में। यहाँ पे प्रोसेसर की बात करते हैं तो वो मिलता है हेलियो P22 2.GHz पे चलता है, तो आप कह सकते हैं कि ये स्नैपड्रैगन 625 जितना ही पावरफुल है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की, तो आप इस पर मिलता है 3 GB वाला वेरिएंट 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जो कि आप एक्सपेंड कर पाएंगे लगा करके एक माइक्रो SD कार्ड 256 GB तक, दोनों सिम्स के साथ यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड जो है वो यूज़ कर पाएंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया काम किया है यहाँ पर वीवो ने। Android 8.0 यानी कि ओरियो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तो ये भी बढ़िया बात है। पीक अपडेट मिलेगा या नहीं इसका कोई पता नहीं है। बैटरी जो है वो 3260 mAh की थोड़ी सी कम थी है यहाँ पे, मगर अब बात करते हैं गिव अवे स्टेप्स की, तो आपको करने होंगे कुछ स्टेप्स, जिनमें सबसे पहले है इस वीडियो को करना होगा लाइक, वीडियो को करना होगा शेयर अपने 5 फ्रेंड्स के साथ में,
यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना होगा और फ़ोन के बारे में एक कमेंट करना होगा जिससे आप ये फ़ोन जीत जाएंगे। सो गाइज बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने वीडियो को यहाँ पर लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताइए क्या मैं कमेंट्स जो हूँ वो पिक करूँ आपके आंसर्स के लिए या फिर नहीं।